जुलाई 2010 को कुछ लोग उन प्रोफेसर के ऊपर हमला करते हैं, उनको बहुत मारते हैं और उनका हाथ काट दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए PFI ने लगाया। देश के एक सबसे टॉप मोस्ट लॉयर कपिल सिब्बल को हायर किया मोटी रकम देके। इंडिया टुडे ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया था PFI के फाउंडिंग मेंबर अहमद शरीफ के साथ, जहां उन्होंने कहा कि PFI का मेन गोल है इंडिया को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना। फिर फिल्म मेकर्स कोई एविडेंस नहीं दे पाए। 66 ऐसे लोग हैं इंडिया से जो आज भी ISIS के लिए फाइटर की तरह काम कर रहे हैं। द केरला स्टोरी। इस मूवी में जो दिखाया गया है कि केरला से जवान लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें सीरिया यमन भेजा जा रहा है ISIS ज्वाइन करने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है और NIA, इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, US गवर्नमेंट का यहाँ क्या कहना है। सभी फैक्ट्स को अनबायस्ड होकर एनालाइज करेंगे, किसी भी पार्टी या कम्युनिटी को सपोर्ट या टारगेट ना करके। कौन कैसे क्यों ये सब कर रहा है A to Z सब जानेंगे प्रूफ के साथ। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। कहानी शुरू होती है सितंबर 2009 को, जब केरला में कैथोलिक बिशप काउंसिल ने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश किया कि करीब 2600 क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया लास्ट 3 सालों में। यह खबर काफी फैली। फिर 29 सितंबर को केरला हाईकोर्ट में एक केस आया शानशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आरोप था कि MBA कर रही एक हिंदू और क्रिश्चियन लड़की को 2 मुस्लिम लड़कों ने प्यार में फंसाकर शादी किया और फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवाया। लड़कियों ने कहा कि उन्हें PFI संगठन के लोग रोज आकर उनके धर्मों की बुराई करके माइंड वॉश करते थे और पहली बार PFI का नाम कोर्ट के सामने आया। PFI मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला में 2006 में बनी थी। कहने को तो ये लोग सोसाइटी में जस्टिस, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, पर नॉन मुस्लिम लड़के लड़कियों का रिलीजियस कन्वर्शन कराने के लिए बहुत बदनाम थे। साथ ही 1400 क्रिमिनल केसेस, 27 मर्डर केसेस और 86 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस इनके लीडर्स के ऊपर है। 2017 को इंडिया टुडे ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया था PFI के फाउंडिंग मेंबर अहमद शरीफ के साथ, जहां उन्होंने कहा कि PFI का मेन गोल है इंडिया को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना, फिर दुनिया के बाकी देशों में भी ये फैलाना, जिसके लिए पैसा मिडिल ईस्ट से आता है हवाला ट्रांजैक्शन से केरला के सत्यसारणी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में, जो PFI का ही एक विंग है। याद रखिए, इन कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही एक बड़े कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है और ऐसे लोग हर देश में मिल जाएंगे। फिर अगले साल 2010 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है न्यूमैन कॉलेज। एग्जाम्स आने वाले थे तो मलयालम विभाग के एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया, जिसमें आरोप लगा कि एक क्वेश्चन में इस्लाम धर्म को इंसल्ट किया गया। उसके 3 महीने बाद जुलाई 2010 को कुछ लोग उन प्रोफेसर के ऊपर हमला करते हैं, उनको बहुत मारते हैं और उनका हाथ काट दिया जाता है। पूरा केरला स्टेट इससे दहल गया। पहली बार किसी प्रोफेसर के साथ ऐसा कुछ हुआ। CM ने एक्शन लिया। पता चला कि ये PFI के लोगों का काम था। फिर PFI के सारे ऑफिसेस में रेड किया गया और भारी मात्रा में हथियार, बुलेट्स, बॉम्ब्स और कई VCTs मिले, जिनमें टेररिस्ट के पनिशमेंट मेथड्स के वीडियोस थे, कई इंटरनेशनल लिटरेचर्स और कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें ISIS जैसे कई संगठनों के प्रोपेगेंडा लिखे थे। फिर 14 जुलाई 2010 को केरला के CM VS सचिदानंद दिल्ली आते हैं और इंटरव्यू में कहा कि गवर्नमेंट को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि PFI पूरे केरला को 2030 तक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है और यही इसका मिशन है। यह ध्यान दीजिए, VS कम्युनिस्ट पार्टी CPIM से थे, पर ISIS या टेररिज्म का कोई मेंशन उन्होंने नहीं किया। फिर अगस्त 2011 को केरला पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, शीना फरजाना और नसीर। पता चला कि ये दोनों ISIS के रिक्रूटर थे और इनका काम था हिंदू और क्रिश्चियन यंग लड़कियों का ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट करना, ताकि वो ISIS के लिए मिडिल ईस्ट जाकर काम करे। और ये भी रिवील किया कि वो सत्यसारणी ट्रस्ट के मेंबर थे, जो PFI का ही एक शाखा है। इसी के चलते 2011 में ही केरला के कासारगोड में सोनिया सेबेस्टिन नाम की एक क्रिश्चियन लड़की थी और वो MBA ग्रेजुएट थी। उसे रशीद अब्दुल्ला नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर से प्यार हो गया और अब्दुल्ला ने कहा कि शादी करना है तो पहले इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अब उसका नाम हो गया आयशा। अब्दुल्ला असल में ISIS का एक हैंडलर था। अब्दुल्ला की एक और बीवी थी जिसके साथ मिलकर वो 10 कुल चलाता था एक ट्रस्ट के अंडर, जहां उनका काम ही होता था दूसरे धर्मों के लड़कियों का माइंड वॉश करना धर्मों का बुराई करके। 31 साल की हिंदू लड़की थी निमिषा नाम की। केरला स्टोरी के डायरेक्टर के हिसाब से फिल्म निमिषा के ऊपर ही बनाया गया। निमिषा केरला में डेंटिस्ट की कोर्स कर रही थी, तो रशीद अब्दुल्ला ने निमिषा का भी माइंड वॉश करके उसकी शादी करा दिया गया। एक और क्रिश्चियन लड़की थी मैरिन, जिसका वैक्सीन नाम की एक लड़के के साथ शादी करवा के नाम रखा मरियम। ये वैक्सीन पहले क्रिश्चियन था जो अब इस्लाम ले लिया था। अगले साल CM ओमन चांडी स्टेट असेंबली में एक रिपोर्ट पेश करते हैं और कहा कि 2006 से 2012 तक करीब 7700
713 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और ये भी कहा कि इन्हीं 7 सालों में 2803 लोगों को हिंदू में भी कन्वर्ट किया गया और कितने लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए इसका कोई डाटा है नहीं। और 2009 से 2012 तक 2667 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया जिसमें 82% जवान हिंदू लड़कियां थी और इसी 4 सालों में 79 वुमेन को क्रिश्चियन और 2 वुमेन को हिंदू में भी कन्वर्ट किया गया। इसी तरह से 2016 तक रशीद अब्दुल्ला ने 22 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के इंडिया छोड़ने के लिए राजी करवा लिया। उन्हें कहा गया कि ट्रू इस्लामिक लाइफ जीने के लिए इन्हें मिडिल ईस्ट जाना होगा और इसी के साथ मई 2016 को ये लोग मुंबई एयरपोर्ट से अफगानिस्तान चले जाते हैं। पर अब्दुल्ला के इन काले करतूतों के बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं पता था, तो जब ये लोग 1.5 महीने से लापता थे पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन किया। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये लोग इंडिया छोड़कर अफगानिस्तान इराक सीरिया गए हैं ISIS ज्वाइन करने। उधर अब्दुल्ला 22 लोगों को लेकर अफगानिस्तान में ISIS के कैंप में रहने लगा। ये लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागकर छुपकर रहते थे, चैन की जिंदगी कभी जी नहीं पाए जिसका सपना दिखाकर इन्हें ले जाया गया। फिर 2019 को अफगान फोर्स ISIS के कैंप में हमला करता है जिसमें अब्दुल्ला मारा जाता है और इन 22 लोगों में से जो 10 महिलाएं थी वो अपने बच्चों के साथ सरेंडर कर देते हैं जिसमें निमिषा और सोनिया भी थी। फिर इंडियन एजेंसी के लोग अफगानिस्तान पहुंचे इनसे बात करने। सोनिया ने कहा उसे पछतावा है, जैसे इस्लामिक लाइफ जीने के लिए उसे लाया गया वो कुछ नहीं मिला। पर निमिषा को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि वो लगातार इंडियन ऑफिशियल्स के हर सवालों में सिर्फ हंसती थी और कहा कि वो इंडिया तभी आएंगे अगर उन्हें जेल में नहीं डाला जाए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें वापस इंडिया नहीं लाया जाएगा और वो आज भी अफगान जेल में है। 2016 में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि उनके डॉटर अथीरा को जो हिंदू थी उसे PFI ने जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया और शादी करा दी और हदिया को ये केस जिताने के लिए PFI ने हर मुमकिन कोशिश की। करीब 1 करोड़ रुपए PFI ने लगाया, देश के एक सबसे टॉप मोस्ट लॉयर कपिल सिग्वाल को हायर किया मोटी रकम देके। फिर हदिया मतलब अथीरा अपने पेरेंट्स को हरा के ये केस जीत जाती है। इसके बाद PFI का इतनी पावरफुल इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केरला के सत्यसारिणी ट्रस्ट पर रेड डाली और उन्हें कई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिले। फिर NIA ने केरला पुलिस चीफ को एक रिपोर्ट दिया कि 2011 से 2015 के बीच 5793 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया जिसमें से 76% जवान लड़कियां थी, पर ISIS या टेररिज्म का यहाँ कोई मेंशन नहीं था। देश में हिंदू मुस्लिम जितने भी दंगे होते हैं हर एक में PFI का सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। मिडिल ईस्ट से इनके पास पैसा आता है दंगे फसाद हिंसा फैलाने के लिए, इसलिए हम सबको PFI से सावधान रहना होगा। अब आते हैं ये फिल्म केरला स्टोरी पर। हमारे कई मासूम बहनों को एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर सीधे मौत के मुंह में डाल दिया जा रहा है कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा और पूरे कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है, ये सच है। और मूवी में उन लड़कियों के साथ हुई दर्दनाक घटनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है जो शायद आज भी ऐसा हो रहा है। पर टीजर में जैसा कहा गया कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके ISIS में भेजा गया, ये फिगर आया कहां से, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ डायरेक्टर सैन नहीं दे पाए। उन्होंने कहा क्योंकि 2010 में CM ओमन चंडी ने कहा था कि करीब 3200 पीपल कन्वर्टेड इनटू इस्लाम ईयरली, तो 10 सालों में अभी ये होना चाहिए करीब 32,000। ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, पर CM जी ने सिर्फ कन्वर्शन कहा था, ISIS टेररिज्म का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। फिर कोर्ट केसेस हुए, फिल्म मेकर्स कोई एविडेंस नहीं दे पाए तो टीजर से 32,000 फिगर हटा दिया और ट्रेलर में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। और केरला हाईकोर्ट ने कहा कि द ट्रेलर डजंट कंटेन एनीथिंग ऑफेंसिव और फिल्म रिलीज में स्टे ऑर्डर लगाने से मना कर दिया। पूरे फिल्म में भी बस एक ही बार 32,000 फिगर का जिक्र होता है विदाउट एनी फैक्ट। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये बस फिल्म मेकर्स की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है फिल्म को पॉपुलर करने की, एक बार पब्लिसिटी हो गया तो सॉरी कहके ये फिगर हटा दिया। पर फिर भी भले ही ये फिगर गलत हो पर इस सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते, तो असल में असली फिगर क्या है। फिर 2020 US गवर्नमेंट के रिपोर्ट अनुसार 66 ऐसे लोग हैं इंडिया से जो आज भी ISIS के लिए फाइटर के तरह काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रिपोर्ट अनुसार 4 सालों में करीब 200 लोग ISIS में जुड़े हैं इंडिया से और दुनिया भर में टोटल ISIS फाइटर ही करीब 42,000 है और अब तक 28 लोग ही केरला से ISIS गए हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। पर इंडियन होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है 155 लोग जो ISIS में जा चुके हैं या कोशिश कर रहे हैं।
2022 में NIA ने कहा केरला में बहुत सारे ISIS के स्लीपर सेल्स हैं और ऐसे 8 टेररिस्ट को जनवरी 2022 को केरला में पकड़ा गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ केरला या इंडिया के साथ इनकी दुश्मनी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। दूसरे देशों से इंडिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा टेररिस्ट निकलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस फिल्म में भले ही पहले इसे ट्रू स्टोरी कहकर प्रचार किया गया, पर बाद में मूवी डिस्क्लेमर में लिखा गया कि द मूवी हैज फिक्शनलाइज्ड एंड इज अ ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ इवेंट्स एंड द फिल्म डजंट क्लेम एक्यूरेसी और फैक्चुअलिटी ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, जैसा केरला हाईकोर्ट ने कहा। मतलब ऐसी घटनाएं हुई है और फिल्म सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फिक्शन स्टोरी लाइन डालना पड़ता है। अब 10 मई को कर्नाटका में इलेक्शन है जहां हिंदू पॉपुलेशन 84% है, तो कई लोगों का कहना है कि ऐसे मोमेंट पर इस फिल्म को रिलीज करना ये बीजेपी का एक प्लान है। पर इस फिल्म से एक बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि हम में अपने धर्म के प्रति कितनी कम नॉलेज है। कितने लोग श्री राम जी को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ये जानते हैं और उन कैरेक्टर्स को अपने लाइफ में उतारते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान है, इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने 16,000 शादी क्यों की, उनकी लीला का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा, हिंदू कस्टम्स, इन सब के जो बहुत बड़ा ज्ञान है यह सब हमें पता नहीं है। असली सनातन धर्म किसे कहते हैं हमें ज्ञान नहीं है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई लोग हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। इस फिल्म में धोखा खाकर एक लड़की अपने पिता को कहती है, आप हमें अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाए? वेद, गीता ये सब पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो भी यूट्यूब में सब कुछ है, बस वीडियो प्ले करिए और सुनिए। कन्वर्शन को भी साइड में रखिए, फिर भी ये हमारा कर्तव्य है अपने धर्म को जानना। ये देश के लिए गर्व की बात है कि अब्दुल कलाम जैसे कई महान मुस्लिम लोग इस देश में पैदा हुए। और हाँ, कभी भी डिसीजन इमोशनली मत लीजिए, अनबायस्ड होकर पूरी सच्चाई फैक्ट्स जानने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी जरूरी कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।